हेलो दोस्तों, चलिए तो जानते हैं कि हम हमारे जो दोस्त होते हैं उनके साथ में कौन से रिश्ते यानी रिलेशंस, कौन सी बॉन्ड्स और कौन से इमोशंस शेयर करते यानी उनके साथ में हम लोग रखते हैं। सबसे पहला है ट्रस्ट एंड लॉयलिटी यानी भरोसा और ईमानदारी। इसमें क्या होता है, हम हमारे दोस्त को कोई बात बोलते हैं और हमें ये भरोसा होता है कि वो किसी को नहीं बोलेगा। अब आती है लॉयलिटी। जो बात आपने आपके दोस्त को बताई, आपका जो दोस्त होता है वो बात किसी को नहीं बताता, तो ये उसकी लॉयलिटी हो गई कि मेरे दोस्त ने उसकी बात मेरे पास दी है, मैं किसी को नहीं बोलूंगा। इसे कहते हैं हम लोग ट्रस्ट और लॉयलिटी। हम हमारे दोस्त के ऊपर बहुत सारी चीजों के लिए भरोसा करते हैं, कोई बात बोलने के लिए, कुछ चीज मंगवाने के लिए, पैसे देने के लिए, खिलौने मंगवाने के लिए, उसके साथ कहीं बाहर जाने के लिए। इसके बाद आता है कॉमन इंटरेस्ट यानी हमारी जो पसंदें हैं वो मिलती है। आपके दोस्त जो दो दोस्त होते हैं उनकी जो अक्सर चीजों में जो पसंद है वो मिलती है। जैसे कि एक दोस्त को ये चीज पसंद है तो दूसरे को भी वही चीज पसंद है। इसे कहते हैं हम लोग कॉमन इंटरेस्ट। इसके बाद आता है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट से मतलब क्या होता है, जैसे हमारे कॉमन इंटरेस्ट होते हैं यानी कि दोनों को एक ही चीज पसंद होती है तो दोनों को अलग अलग चीजें भी पसंद हो सकती है। अपने दोस्त की पसंद में राजी रहना यानी कि अगर एक दो दोस्त है, एक हिंदू है और एक मुस्लिम है, तो मुस्लिम जो है अल्लाह को मानते हैं, हिंदू जो है भगवान को मानते हैं। तो मुस्लिम की रिस्पेक्ट क्या है कि ठीक है तू तेरे भगवान को मान, और हिंदू की रिस्पेक्ट क्या है कि ठीक है तुम तुम्हारे अल्लाह को मानो। तो इस तरीके से ये जो है एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट को हम लोग कहते हैं कि दोस्ती में रिस्पेक्ट है। जॉय एंड हैप्पीनेस है ना, जब मतलब हम लोग जब भी हमारे दोस्त के साथ होते हैं तो हम लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता है। हम लोग हर चीज इंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, हम लोग छोटी भी बात करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। इस तरीके से हम लोग हमारे दोस्तों के साथ में इंजॉय करते हैं। और वही चीज अगर हम लोग दूसरों के साथ करो, कितनी भी एंजॉय वाली चीज हो, तो वो खुशी नहीं आती, वो फीलिंग्स नहीं आती हमारे को। सपोर्ट एंड केयर यानी कि आपका जो दोस्त है अगर वो कोई मुसीबत में उसको किसी चीज की जरूरत है तो यहाँ पर क्या करता है, एक दोस्त मैं हूं ना मैं मदद करूंगा, मैं हूं ना मैं रहूंगा तुम्हारे साथ। तो जब भी जरूरत हो, जब भी वो परेशानी में हो, जब भी उसे सपोर्ट की जरूरत पड़े तो जो है दोस्त काम आता है। इसे कहते हैं हम लोग केयर एंड सपोर्ट। ये एक हमारे बीच में एक जो होता है बॉन्ड होता है दोस्तों के बीच में। इसके बाद आता है रोल मॉडल यानी कि अगर आपका जो दोस्त है वो कुछ बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, पढ़ाई में अच्छा है, वो हर साल अच्छे नंबर आता है, तो वो आपके दिल में अगर ये बात आती है कि मुझे भी ऐसे ही करना है, मुझे भी इतने सारे मार्क्स लाने हैं, मुझे भी एक नंबर टॉप रैंक से आना है, तो ये क्या हो गया कि आपने उसको उसका आपका रोल मॉडल बना लिया है। आप उसकी हर चीज फॉलो करते हैं, जैसे जैसे वो करता है वैसे वैसे आप करते हो। इसे कहते हैं रोल मॉडल।